Now, we will do some numericals which are based on the relative velocity, displacement time graph and velocity time graph. First question is, the velocity time graph for a body moving along the straight line is shown. Find the displacement in 10 seconds of motion. कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है इस ग्राफ से, कब, जब टाइम हमारे पास 0 से 10 सेकंड था. तो एक आपने करा था डेरिवेशन में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये क्वेश्चन हमने एक डिराइव करा था. तो वही कॉन्सेप्ट हमने लगाना है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर 10 सेकंड के अंदर कितना एरिया आ रहा है. तो सबसे पहले जो एरिया 10 सेकंड तक है वो यहां तक है, 0 से 10 सेकंड तक. तो जो मैं शेडेड रीजन लिख रहा हूं, that is the area under velocity time graph. This part, and this part. जो मैंने shaded region किया है, this is the area under velocity time graph between 0 to 10 second. अब इस area को मैं 3 parts में divide कर देता हूं, that is A, B, O, C, D, E, F, G, H, I. ये मैंने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हमने S से डिनोट कर दिया, तो दैट इज एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, दैट इज Area of O A B C plus area of this shaded region, area of C D E F plus area of third region, area of F G H I, F G H I. तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ हमारे पास आ गई बी सी, मान लीजिए हाइट इसकी बी सी इंटू ओ सी, ये फर्स्ट रीजन का एरिया आ गया. सेकेंड रीजन का एरिया सी डी इंटू डी ई, लेंथ इंटू ब्रेथ डी E प्लस थर्ड रीजन का एरिया जी एफ इंटू एफ आई, लेंथ इंटू ब्रेथ या हाइट इंटू ब्रेथ. तो सबसे पहले इस रीजन का एरिया क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, बी सी की वैल्यू. बी सी दैट इज 4 माइनस 0. इस पूरे पार्ट की जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड. तो इस पार्ट की जो लेंथ आ गई वो 4 आ गई, देन मल्टीप्लाई बाय ओ सी, फाइनल वैल्यू 2 है, इनिशियल वैल्यू 0 है, दैट इज 2 माइनस 0 इज 2. इस पार्ट की लेंथ हमारे पास आ गई 2. ये तो आ गया फर्स्ट रीजन का एरिया, प्लस थर्ड रीजन का एरिया देखोगे तो 8 माइनस 2, क्योंकि फाइनल कोऑर्डिनेट 8 है, इनिशियल कोऑर्डिनेट मेरे पास 2 है. तो सी एफ की सॉरी यहां पर डी ई की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे
दैट इज 8 माइनस 2। क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, इंटू माइनस टू इंटू जीरो, क्योंकि यहां पर जो फाइनल कोऑर्डिनेट है वो माइनस में है, तो माइनस टू माइनस जीरो। डी ई की जो वैल्यू है, दैट इज नॉट डी, सी डी की जो वैल्यू आएगी दैट इज टू माइनस टू माइनस जीरो। प्लस जी एफ, जी एफ की वैल्यू है हमारे पास आ गई 6, इंटू एफ आई, फाइनल कोऑर्डिनेट 10, इनिशियल कोऑर्डिनेट 8, तो 10 माइनस 8 इज, यहां पे लिख देता हूं 10 माइनस 8। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, 4 2 8 प्लस 6 इंटू में माइनस 2 प्लस 6 इंटू में 10 माइनस 8 इज 2, तो 8 माइनस 12 प्लस 12, माइनस 12 और प्लस 12 कैंसल आउट, तो डिस्टेंस इज 8 मीटर। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड था तो बॉडी 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही रिलेटेड है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन दिस डायग्राम। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी कि 0 से लेके 10 सेकेंड तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अगेन फार्मूला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। अब इस वी टी ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो मैं शेडेड कर रहा हूं। एक तो ये हमारे पास आ गया, 3 रीजन में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। सेकंड रीजन ये आ गया, थर्ड रीजन हमारे पास ये, अगेन ये चीज आ गई। तो हम इनकी नेमिंग कर देते हैं, से ओ ए बी सी डी और ई। तो जो टोटल एरिया होगा दैट इज फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, इन तीनों रीजन्स का जितना एरिया होगा वो ऐड करके हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो फर्स्ट एरिया अंडर ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई। तो ट्राइंगल का एरिया हम फर्स्ट ले लेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस दैट इज ओ बी इंटू हाइट, हाइट हमारे पास आ गई ए बी, ए बी। ये तो आ गया फर्स्ट रीजन का एरिया। अब दूसरे रीजन का एरिया दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज प्लस ए सी इंटू में ए बी प्लस थर्ड रीजन का एरिया हाफ ऑफ हाफ इंटू हाइट दैट इज डी सी इंटू बेस दैट इज डी ई। तो अगेन हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ बी की वैल्यू 2, ए बी की वैल्यू इस पूरे की लेंथ 20 प्लस ए सी, ए सी जो है दैट इज इक्वल टू बी डी के, तो बी डी का फाइनल कोऑर्डिनेट 5, इनिशियल कोऑर्डिनेट 2,
तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो एसी की वैल्यू मैं लिख देता हूं 5 माइनस 2 इंटू एबी। एबी की हाइट हमारे पास है 20 प्लस हाफ इंटू डीसी। डीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 इंटू डीई। डीई की वैल्यू यानी कि 10 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर। तो 2 से 2 लेस हो गया दैट इज 20 प्लस 5 माइनस 2 3 इंटू में 20 प्लस 10 इंटू में 5 20 प्लस 60 प्लस 50 ये बन गया 80 प्लस 50 दैट इज 130 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट इन ए सर्टेन डायरेक्शन एंड ए स्कूटर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ओवरटेक द कार एज शोन इन द डायग्राम। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। सेकेंड आपने कैलकुलेट करना है कि द टाइम व्हेन कार कैच द स्कूटर। थर्ड द डिस्टेंस ऑफ कार एंड स्कूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट इंस्टेंट। तो सबसे पहले हमने जो चीज कैलकुलेट करनी है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 15 सेकेंड। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इन 15 सेकेंड। फिर उन दोनों को लेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका इस तरह से देखोगे कि फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 15 सेकेंड। तो आप ग्राफ में यहां पर देखोगे कि दिस इज द ब्लू लाइन जो शो कर रही है दैट इज द ग्राफ फॉर कार। तो 15 सेंटीमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी दैट इज हाफ इंटू बेस दैट इज ओ सी इंटू हाइट। हाइट हमारे पास आ गई ए सी। तो हाफ इंटू ओ सी। ओ सी की वैल्यू 15 माइनस 0 दैट इज 15 इंटू ए सी हाइट। हाइट हमारे पास है 45। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे 7.5 × 45 करोगे तो दैट वैल्यू इज 337.5 मीटर के। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 15 सेकेंड। फिर उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इन 15 सेकेंड। भाई अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है स्कूटर इन 15 सेकेंड दैट इज एरिया ऑफ ओ सी एफ ई। जो रेड लाइन है वो हमें शो कर रही है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर दैट इज एरिया ऑफ ओ एफ सॉरी ओ ई एफ सी
OEFC, that is length into breadth, that is OE into OC, OE into में OC, तो OE की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई और OC की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, दैट इज 450 मीटर। तो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट केस है डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड स्कूटर, तो डिफरेंस बराबर है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड स्कूटर, दैट इज 450 माइनस 337.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 112.5 मीटर। तो डिफरेंस हमारे पास हमारे यहां पर आ गया, मैं आंसर लिख देता हूं यहां पे, डिफरेंस इज डिफरेंस विद इन 15 सेकेंड इज 112.5 मीटर। सेकेंड पार्ट हमने कैलकुलेट करना है द टाइम व्हेन कार कैच द स्कूटर। तो सबसे पहले हमें टाइम को कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर वी हैव टू कैलकुलेट वी सी एस, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर इज इक्वल टू वी सी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ स्कूटर आफ्टर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड और स्कूटर की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर। अब कार और स्कूटर के बीच में जो पहले 15 सेकेंड में डिफरेंस है डिस्टेंस का वो है 112.5 मीटर। तो सबसे पहले कार को वो डिस्टेंस भी कवर अप करना पड़ेगा, तो उसको इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार फिर आप ध्यान से इस बात को समझो कि अब हमने निकालना है कि टाइम टेकन बाय द कार टू कैच द स्कूटर, टाइम कितने टाइम में कार जो है वो स्कूटर को ओवरटेक करेगी। तो हमने सबसे पहले तो डिफरेंस तो निकाल दिया कि कार और स्कूटर के बीच में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो है 112.5 मीटर, यानी कि कार जो है स्कूटर से इतना डिस्टेंस पीछे है। तो पहले तो उसको 112.5 मीटर डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस या टाइम टेकन बाय कार टू कवर 112.5 मीटर डिस्टेंस, दैट इज टी इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 112.5 डिवाइडेड बाय 15। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.5 सेकेंड। टाइम आफ्टर विच कार ओवरटेक स्कूटर, 15 सेकेंड तो टाइम एक हमारे पास है, तो टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड प्लस उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज सेकेंड। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर टाइम आ जाएगा 22.5 सेकेंड। तो जो टाइम लगेगा कार को स्कूटर को ओवरटेक करने के लिए दैट विल बी 22.5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है
डिस्टेंस ऑफ कार एंड स्कूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्टेंस कवर बाय स्कूटर, टोटल टाइम हमारे पास बन गया 22.5 सेकेंड। इन 22.5 सेकेंड इज इक्वल टू, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वी इनटू में टी। वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है स्कूटर की, और टाइम जो है दैट इज 22.5, तो दैट विल बी 225 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,675 मीटर। तो बोथ कार एंड स्कूटर विल बी 675 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार ए इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो दो कार हैं, एक कार की स्पीड वी ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और कार बी की जो स्पीड है दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रेट ट्रैक पे दोनों कार्स मूव कर रही हैं, कि मान लो कार ए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और कार बी जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। दोनों के लिए ओरिजिन सेम रहेगा। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी? तो सबसे पहले पोजीशन निकालने के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कार ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज वी ए बी बराबर है वी ए माइनस वी बी। तो वी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 माइनस 75, -15 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए जो है वो कार बी से 15 किलोमीटर पर आवर स्लो चल रही है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय या डिस्टेंस कवर इन 1 आवर और 60 मिनट की कार ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, सॉरी कार ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी 60 मिनट में? दैट विल बी 15 किलोमीटर। कि कार ए जो है वो बी से 1 घंटे में 15 किलोमीटर पीछे है। तो डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट दैट इज 15 बाय 60 दैट इज 1/4 किलोमीटर। अब पोजीशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर 20 मीटर हमने निकालनी है। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन 20 मिनट, तो दैट विल बी 1 मिनट में इतना पीछे है, तो 20 मिनट में 20 × 1/4, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -5 या सिंपली -5 किलोमीटर। कि कार ए जो है 20 मिनट के बाद कार बी से 5 किलोमीटर पीछे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए मैन फ्रॉम वैन मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। कि कोई पर्सन है, मान लो
उसको हमने नाम दे दिया ए। वो कार पर मूव कर रहा है विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार ऑफ ए, दैट इज वी वन से इसको डिनोट कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार को 36 किलोमीटर पर आवर। ही फायर्स द बुलेट इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड इन द सेम डायरेक्शन ऑन अदर कार मूव विद स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। कि जो दूसरी कार है, कार बी, उसकी स्पीड जो है दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर है। कि पहला कार वाला दूसरे कार वाले को चेज कर रहा है या उसका पीछा कर रहा है, और जो फर्स्ट कार में जो पर्सन बैठा है वो एक बुलेट फायर करता है कार बी के ऊपर, और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज 504 किलोमीटर पर आवर है। ये पर्सन बी के ऊपर बुलेट को फायर कर रहा है और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 500 किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी के साथ बुलेट जो है वो कार बी को स्ट्राइक करेगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन टर्म्स हैं हम उनको लिखेंगे, दैट इज स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट। कि बुलेट की स्पीड कितनी होगी टोटल, उसकी अपनी वेलोसिटी प्लस कार की वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटीज ऐड होंगी, क्योंकि कार भी चल रही है और जो गन है वो भी कार के साथ साथ मूव कर रही है। तो अब कार की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के साथ ऐड अप हो जाएगी। तो बुलेट की जो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 504 प्लस 36, दैट इज 540 किलोमीटर पर आवर। अब इस 540 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 540 इंटू 5 बाय में 18, दैट इज 150 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। स्पीड ऑफ कार बी 108 इंटू में 5 बाय में 18 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी 30 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, दैट इज वी बी सी, वी बी माइनस वी सी। वी बी की जो वैल्यू है दैट विल बी 150 माइनस 30, तो 120 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद अ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार। लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज, टू स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन ऑन द एक्स टी ग्राफ, दैट इज पोजिशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस। तो कोई आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, मान लीजिए इस टाइम टी और इस साइड हम ले रहे हैं एक्स। दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं।
मान लो ए जो लाइन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है और लाइन बी जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी के, और स्लोप का फार्मूला हमें पता है, स्लोप दैट इज टेंजेंट थीटा। तो वी ए इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ। ए के लिए एंगल हमारे पास 60 डिग्री है और बी के लिए एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। तो रेशियो हम निकाल सकते हैं वी ए अपॉन में वी बी, दैट इज टेंजेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3 और टेंजेंट 30 डिग्री 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3, दैट इज अंडर रूट 9, और दैट इज इक्वल टू 3।